repose here under this dark. I don't know how do we pronounce this word. कोई pronounce कर सकता है? Dictionary है किसी के पास? It is S Y C A M O R E. क्या होगी भाई इसकी pronunciation? मेरे मोबाइल में नहीं, गूगल में होती है. गूगल में कुछ कंपनी निकालते हैं. गूगल को चलाने के लिए डेटा चाहिए होता, वो नहीं है मेरे पास. अच्छा चले, खैर. वेदर इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्री. ठीक है, ये एक ट्री की किस्म है. एंड व्यू अंडर द डार्क सी सम मोर आई थिंक एंड व्यू दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड दीज ऑर्चर्ड टप्स. ठीक है, ऑर्कर्ड या ऑर्चर्ड, आई डोंट नो. ये भी किस्म की श्रब्स होते हैं, छोटे साइज के पौधे लगा ले हम. तो वो कहते हैं अब ये वो दिन है मेरे लिए बहुत खुशकुन कि मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से किसके इस ट्री के अंडर, और मैं देख सकता हूँ कि कॉटेज ने एक कॉटेज होगी कोई रहने की जगह, कोई छोटा सा हट टाइप, और उसके आगे क्या है, इट्स ऑल ग्रीन, इट्स ऑल फील्ड्स. ठीक है, तो वो यहाँ बैठ कर फील्ड देख रहा है, और वहाँ पर क्या है, किस चीज़ की फील्ड है, ऑर्चर्ड टफ्स. टफ्स कहते हैं बेटा, कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे आपने कभी देखा होगा हम फील्ड हो, कोई खेत हो, और वहाँ पे फुल ग्रोन फसल लगी हुई हो, तो जो उसके ऊपर का पार्ट होता है वो हवा से ऐसे ऐसे हिलता है, वो टफ कहलाता है ऊपर का. ठीक है, आगे देखें वो क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड टफ्स विच एट द सीजन विद देयर अनराइप फ्रूट. और सीजन ऐसा है कि अभी उनका फ्रूट क्या है, अनराइप, पूरा पका नहीं है. ठीक है, विच एट दिस सीजन विद देयर अनराइप फ्रूट अमंग द वुड्स एंड कॉप्सेज लूज देमसेल्फ. और ये वुड्स कहते हैं जंगल को. ठीक है, फॉरेस्ट नॉट जंगल. ठीक है, तो वो ये जो ऑर्चर्ड टफ्स हैं ये यहाँ पर उन वुड्स में मौजूद हैं, और उनका फ्रूट जो है वो अभी तक पका नहीं है, और ये क्या है, लूज देमसेल्फ, हवा में इन्होंने अपने आप को क्या किया, दे हैव लेट देमसेल्फ लूज. तो जभी के वर्ड कौन सा यूज़ किया, टफ यूज़ किया, दे आर एक्चुअली मूविंग एंड वेविंग एंड दे आर ऑल्सो इन्जॉइंग अकॉर्डिंग टू वर्ड्स इन द एयर. आगे देखें वो क्या कहते हैं, विच एट दिस सीजन विद देयर अनराइप फ्रूट्स अमंग द वुड्स एंड द कॉप्सेस लूज देमसेल्फ नॉर विद देयर ग्रीन एंड सिंपल ह्यू डिस्टर्ब द वाइल्ड ग्रीन लैंडस्केप. ठीक है, अब देखें वो क्या कह रहे हैं, नाउ कैन यू सी द कंट्रास्टिंग इमेजरी, ही इज बिल्डिंग विद द कंट्रास्टिंग कलर्स. उसने कंट्रास्ट किया है किसके कलर को, ऑर्चर्ड्स के कलर्स को किसके साथ, उसके साथ जो वुड्स का कलर है. ठीक है, अब जो वुड्स में दरख्त हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, डीपर ग्रीन कलर है, और जो ऑर्चर्ड का कलर है वो फ्रेश ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर है. तो वो कह रहा है नॉर विद देयर ग्रीन एंड सिंपल ह्यू, इनका ह्यू मीन्स कलर, इनका कलर कैसा है, सिंपल ह्यू ग्रीन. ठीक है, डिस्टर्ब द वाइल्ड ग्रीन लैंडस्केप, लेकिन ये किसी भी जो दूसरा लैंडस्केप है जो वुड का है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, बट इन द नेचर एवरीथिंग इज इन हार्मनी. ठीक है, अगर चाहे हमें यहाँ कोई डेलिबरेट प्रूनिंग नज़र नहीं आती, वी डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर पैटर्न्स, एवरीथिंग इज एक्चुअली ग्रोइंग बाय इट्स ओन, खुद ब खुद खुदरो पौधों की तरह हर चीज़ वाइल्ड में ग्रो कर जाती है, बट इवन देन इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. ठीक है, रॉनेस की और इस क्योस की भी अपनी इस बेतरतीबी में भी एक हुस्न होता है. तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये दोनों कलर आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं, और वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़राब जो है या मार जो है वो नहीं कर रहे. ठीक है, आगे देखें वो क्या कहते हैं, नाउ विद योर ग्रीन एंड सिंपल ह्यू डिस्टर्ब द वाइट ग्रीन लैंडस्केप वंस अगेन आई सी. फिर ये बहुत खुश है, वो कहते हैं शुक्र है अल्लाह ताला के मैं दोबारा आ गया हूँ इधर, वंस अगेन आई सी, और मैं दोबारा देख सकता हूँ क्या, दीज हैज रोज, हैज रोज आर अगेंस्ट श्रब्स. ठीक है, वो रोज में लगी हुई है वो श्रब्स, कहते हैं दीज हैज रोज हार्डली हैज रोज लिटिल लाइन्स ऑफ सपोर्टेबल एंड विविड. और वो कहते हैं ये हैज रोज भी नहीं है बेचारी, मतलब वो इतनी ग्रोन नहीं है, बहुत ही वीक सी वाइट सी कुछ बेलें हैं, और वो क्या है, लिटिल लाइन्स ऑफ सपोर्टिव वुड. और वो क्या कर रही है, लिटिल लाइन मतलब बहुत ज़्यादा ओवरग्रोन नहीं है, बल्कि वुड के साथ साथ वो चल रही है बेलें, जब क्रीपर्स हो सकते हैं, कोई ट्विस्टर्स हो सकते हैं. ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, और वो पूरी इस जगह पे दे आर रनिंग वाइल्ड, इट मीन्स दैट दे हैव बीन स्प्रेडेड एवरीवेयर, हर जगह वो स्प्रेड है रनिंग वाइल्ड. दीज पैस्टोरल फार्म्स, पैस्टोरल मीन्स बट पैस्टोरल ग्रीनरी से रिलेटेड, हाँ चरागा. ठीक है, ग्रीनरी, या आप इसको कह लेते हैं एक और वर्ड भी यूज होता है, बरोस, नहीं बरोस तो नहीं होता, फरोज होता है,
मीडोज, वेरी गुड, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स। चलिए जी, दीज पेस्टोरल फार्म्स ग्रीन टू द वेरी डोर, विच डोर? अभी अभी इसने बताया था ये कहाँ बैठा है, दरक के नीचे, दरक के पीछे क्या था, कॉटेज, तो कॉटेज के डोर था, ठीक है। तो ये जो पूरी नेचुरल सीनरी है या जो नेचुरल ब्यूटी है, इट इज़ बेसिकली इंक्लूडिंग एंड क्लेमिंग एवरी स्पेस अराउंड हिम, तो उसके डोर तक जो है वो ये सब चीज़ें आ रही हैं। रन वाइड दीज पेस्टोरल फॉर्म्स ग्रीन टू द वेरी डोर एंड रीथ्स ऑफ स्मोक सेंट अप इन साइलेंस। रीथ्स मीन्स रीथ, रीथ किसे कहते हैं? आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि आप लोगों को मैं अक्सर देखती हूँ, आप लोग बनाते भी होते हैं, वो फूलों से आप ऐसे वीव करके गोल सा ताज नहीं बना लेते, फिर पहन के फिरते हैं बड़े प्यारे लगते हुए, ठीक है, वो गार्लैंड, ठीक है, तो वो जो होता है रीथ कहलाता है। अब बेसिकली ही इज़ मेकिंग एन इमेज ऑफ अ सेक्लूजन वाइल्ड, सेक्लूडेड वाइल्ड है एडगिर्द, जिसमें के बीच में एक कॉटेज है या कुछ घर हैं थोड़े बहुत, ठीक है, और उसमें जाहिर है कोई एक्टिविटी तो हो रही होगी उन घर में, कोई खाना भी पका रहा होगा, जब खाना पकाएगा तो क्या होगा, रीथ और स्मोक विल बी एमिटेड आउट ऑफ चिमनी, ठीक है। तो यू कैन सी दैट हाउ डिटेल्ड ही इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन, वो माउंटेन से, क्लिफ से, लैंड से शुरू हुआ है, उसके बाद वो आपको ट्रीज की काइंड्स बता रहा है, एंड देन ही इज टेलिंग यू द कलर्स, एंड देन ही इज टेलिंग यू द साउंड इफेक्ट, ठीक है, और अब वो क्या बता रहा है आपको कि देखें चिमनी में से जो है वो, एंड रीथ्स ऑफ, क्योंकि ये पेस्टोरल फॉर्म्स हैं, ठीक है, एंड रीथ्स ऑफ द स्मोक सेंट अप इन साइलेंस, देयर इज नो हसल बसल, कोई शोर शराबा नहीं है, शहरी जिंदगी का कोई ट्रेस जो है वो आपको नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पे इक्का दुक्का कोई हल्की फुल्की अगर कोई आबादी है तो वो बहुत ही खामोशी के साथ, इट हैज़ बेसिकली बिन मर्ज विद द नेचुरल सीन, ठीक हो गया। फ्रॉम अमंग द ट्रीज, और ये कहाँ से निकल रहे, अमंग द ट्रीज, क्योंकि कॉटेज इज सराउंडेड बाई द ट्रीज, तो द ओनली साइन ऑफ लाइफ इज दैट पर्टिकुलर स्मोक विच इज बींग इमिटेड फ्रॉम द चिमनीज, वो जो चिमनी से स्मोक निकल रहा है उससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ इंसानी जिंदगी जो है वो अंदर होगी। एंड रीथ्स ऑफ स्मोक सेंट अप इन द साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज विद सम इनसर्टेन नोटिस एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट डोलिंग, इनसर्टेन नोटिस, एक हल्का सा हमें बैठने वाले को एक नोटिस कर लेता है कि वो यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो रह रहा होगा, इनसर्टेन मतलब वी आर नॉट सर्टेन इन हु दीज पीपल आर एंड व्हाट दे आर डूइंग हियर, दे मस्ट बी सम फार्मर्स मे बी, ठीक है, और द कीपर्स ऑफ दीज फार्म्स, क्योंकि ये पेस्टोरल फार्म्स हैं तो इन्हीं से रिलेटेड इनके कोई मुआश होंगे। बहरहाल जिंदगी इतनी वाइब्रेंट, जो इंसानी जिंदगी है वो इतनी वाइब्रेंटली यहाँ पे मौजूद नहीं है कि वो अपनी मौजूदगी का बहुत ही स्ट्रांगली आपको इदराक करा सके, तो वो कह रहा है इनसर्टेन सटल प्रेजेंस जो है वो हमें नज़र आती है किसकी, इंसानों की। एंड रीथ्स ऑफ स्मोक सेंट अप इन साइलेंस।